प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को अप्रूवल दिया है, जो जल्द ही इम्प्लीमेंट की जाएगी। इस स्कीम का मकसद एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। ये अपडेट उन लाखों एम्प्लॉयज के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में डिटेल में और समझते हैं कि आपकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम या UPS सेंट्रल गवर्नमेंट की नई पेंशन स्कीम है। जो भी एम्प्लॉयज कम से कम 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल और फिक्स्ड पेंशन मिलेगी जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाए रखेगी। अब बात करते हैं इस नई स्कीम के फायदे और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा, तो उन्हें भी पेंशन मिलेगी, लेकिन ये अमाउंट प्रोपोर्शनल एलोकेशन के बेसिस पर तय होगी। अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को उस समय मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी सिचुएशन में पेंशन की मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपए से कम की नहीं होगी। UPS से पहले देश में पेंशन के लिए NPS स्कीम थी। इस नई स्कीम में एम्प्लॉयज को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा इस स्कीम में देगी। ये NPS से काफी डिफरेंट है, जहां एम्प्लॉयज को अपने बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। अब समझते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 60,000, 70,000 या 80,000 रुपए है, तो आपको इस नई स्कीम के अकॉर्डिंग कितनी पेंशन मिलेगी। 60,000 रुपए की सैलरी पर पेंशन। अगर आपकी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद 30,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फैमिली को 18,000 रुपए पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगी। 70,000 रुपए सैलरी पर पेंशन। 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर 35,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी और डेथ के बाद फैमिली को 21,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 80,000 रुपए सैलरी पर पेंशन। 80,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर 40,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी और डेथ के बाद फैमिली को 24,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डिटेल्स। ये स्कीम उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी रिलीफ साबित हो सकती है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न थे। अगर आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।